नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बहन जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। अब मेरा जो पिछला वीडियो था वो डेटा एंट्री फ्रॉड की एक कंपनी अल्टिस टेक्नोलॉजी के नाम से, उसके ऊपर था। अगर आप ऐसे ही डेटा एंट्री फ्रॉड कंपनीज में फंसे हुए हो, आपका भी कंप्लेन है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज जो है मैं बात करने वाला हूँ इंडिगो के फेक एयरलाइन जॉब्स के बारे में। तो रिसेंटली जो ये लॉकडाउन क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है, जॉब का जो है हाहाकार है, तो इस चीज़ पे जो है कुछ जो फ्रॉड लोग हैं वो लोग जो है इंडिगो के नाम पे भी जो है फेक एड्स चला के, फेक जॉब्स दिखा के पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो रहेगा कोलकाता का केस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या CCU जिसे हम कहते हैं, उसी का केस है। तो वीडियो में आगे हम वो सारा जो केस है उसके बारे में जान पाएंगे। बिना कोई सबूत के लाता नहीं कुछ भी, तो एविडेंसेस के साथ ही है ये वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये जो केस है, नॉर्मली ये जो फेक एयरलाइन जॉब्स है वो आपको ज़्यादातर ही जो है जॉब एड साइट्स में मिलेंगे, इंडीड, नौकरी, इन सब में भी जो है आजकल फेक एड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आपको कोई भी एयरलाइन जॉब्स, स्पेशली इंडिगो एयरलाइन जॉब्स के मिले, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को पहले ध्यान दे के देख लीजिएगा, उसके बाद परख के देखिएगा चीज़ को। तो क्या होता है, मैं पूरे केस को डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला जो है वो अप्लाई करते हैं, कैंडिडेट का नाम मैं नहीं कह रहा, पकड़ लीजिए कैंडिडेट का नाम है अमन। अमन जो है वो अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उन्हें जो है पहले एक मेल आता है। ये जो मेल रहेगा वो आपको ज़्यादातर क्या होता है, आपको जो है एक लोभ देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए आपको दिया जाता है। तो उसमें कहा गया है कि यहाँ मैं लिख के रखा हूँ, डिटेल्स में मैंने सब कुछ लिख के रखा है, तो वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि टिकटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए उन्हें ये जॉब ऑफर किया जा रहा है, जहाँ एक विजिटिंग डेट रहेगा, एक ट्रेनिंग डेट रहेगा और एक ज्वाइनिंग डेट रहेगा। एनुअल CTC के बारे में अगर बात करें, एनुअल CTC यानी ग्रॉस इनकम, जो टोटल इनकम उनका होगा, वो बताया गया कि 3,62,000 रुपये होंगे ईयरली, प्लस एकोमोडेशन भी रहेगा, एकोमोडेशन यानी घर। तो एविडेंस पहले देख लीजिए आप, ये रहा प्रूफ। तो इस मेल में जो है साथ ही कहा गया कि 15 दिन का जो है ट्रेनिंग, 15 दिन का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जहां पे जो है इन्होंने लिख के रखा है सैलरी इन 15 दिनों के दौरान रहेगा 17,500 रुपए। हालांकि ट्रेनिंग सिचुएशन में इसे सैलरी नहीं कहा जाता है, इंडिगो जैसे रेप्यूटेड लोग कैसे अशिक्षित हो जाएंगे इस तरीके के कि सैलरी कहेंगे इसे, इसे स्टाइपेंड कहा जाता है। जब हम कोई भी इंटर्नशिप या कुछ भी करते हैं वहां पे सैलरी नहीं रहता, प्रोबेशन पीरियड जो रहता है वहां हमें स्टाइपेंड मिलता है। तो इंडिगो जैसे रेप्यूटेड जो कंपनीज है वो ऑब्वियसली इस तरीके से गलतियां नहीं करेंगी। तो फ्रॉड जो एजेंसी है, थर्ड पार्टी जो फ्रॉड कर रही है, वो लोग ही इस तरीके का अशिक्षित है, जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करते ही रहते हैं, और उसी तरीके से हम उसे पहचान भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा, जैसे स्टाइपेंड होता है वहाँ पे लिखा सैलरी 17,500 रुपये, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद नेट सैलरी है 35,000 रुपये। अब क्या है, साथ ही में प्रलोभन, ये सब जो है आपको प्रलोभन दिया जाएगा, साथ ही लिखा है ऑब्वियसली, मगर जो ओरिजिनल जेन्युइन जॉब है इंडिगो का, उसमें ऑब्वियसली ये सारे चीज़ें जैसे कि एकोमोडेशन, फूडिंग, कैब फैसिलिटी, मेडिकल चेकअप्स, PF, ESI सब कुछ ही मिलता है, मगर यहाँ पे आपको इस तरीके से बताया जाएगा और इस तरीके का प्रलोभन दिया जाएगा। नॉर्मली जो है जब एयरलाइन जॉब्स के इंटरव्यूज होते हैं वहाँ बस पोजीशन के बारे में दिया हुआ रहता है, वहाँ कितना सैलरी मिल रहा है उस बारे में नहीं दिया हुआ रहता है, जो कि आप जब इंटरव्यू फेस करते हो वहाँ GD होगा, PI होगा, एवरीथिंग होने के बाद जो जेन्युइन तरीके से होता है, उसके बाद ही जो है ऑफर लेटर दिया जाता है, और वहाँ पे स्पेसिफाइड जो है
सैलरी रेंज दिया हुआ रहता है, तो वो आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे भी होता है और उसी बेसिस पे नेगोशिएशन के बाद आपका एक सैलरी स्थिर होता है। तो यहाँ तक जो है जो फेक कंपनीज है वो तो प्रलोभन दे रही है, तो यहाँ तक जो है प्रलोभन का सिलसिला चल रहा था, इसका भी जो है आप प्रूफ देख लीजिए यहाँ तक। तो इसके बाद जो बताया गया है वो है, ये रहा असल जगह जहां आपको पकड़ना है। नाउ इट्स टाइम टू पे योर ट्रेनिंग सिक्योरिटी प्लस ट्रेनिंग किट एंड ड्रेस अमाउंट। तो ये तीन चीजें उन्होंने लिखे हैं, ट्रेनिंग सिक्योरिटी, ट्रेनिंग किट और ड्रेस अमाउंट। जिस फीस का जो फीस उन्होंने रखा है वो है 12,250 रुपये, 12,250। तो ये चीज ही पूरे चीज को जो है इनवैलिड कर देती है, फ्रॉड प्रूफ कर देती है, क्योंकि जो एयरलाइन कंपनीज है वो जेन्युइनली जो है कोई भी पैसा नहीं लेती, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पर आप पहले ये एविडेंस देख लीजिए, प्रूफ जहां पे इस मेल में कहा गया ये चीज। तो साथ ही में जो है गेट पासेस भी दिए हुए हैं, गेट पास और सब कुछ लिख के रखा था, टाइमिंग एंड ऑल। मगर इन सब चीजों में होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इन सब चीजों में जो है ज्यादातर जब कैंडिडेट विजिटिंग डे में जाते हैं वहां, तो ऑब्वियसली फ्रॉड है, कोई पहचानता नहीं है और बाहर से उन्हें निकाल दिया जाता है, या फिर ऑब्वियसली वहां कोई जॉब या फिर वैकेंसी चल नहीं रही होती। इसी का एक और एविडेंस जो मैं आपको दे देने वाला हूं वो है एक कंज्यूमर कंप्लेन। नीचे जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मैं पूरा जो है ऊपर से नीचे तक पढ़ के सुना देता हूं। तो चलिए मेरे स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं और आपको वो आर्टिकल या फिर लेटर जो है वो पूरा सुनाता हूं जो फ्रॉड होता है। सेम टाइप का है, सेम जगह, तो सेम जगह से जो है वो मेल आता है, तो ये जरूर आप देखें। तो दोस्तों अब आप आ चुके हो मेरे लैपटॉप में, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया। तो मैं जो है ये देखिए वो सेम एड्रेस मैंने बिठाया है मेल में, जहां से जो मेल आपने को मिला, वहां जहां से ये मेल कैंडिडेट को आया उसी पे देखिए यहां पे एक कंज्यूमर कंप्लेन है, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए ऑनलाइन इंडिगो फेक जॉब लेटर, तो ये एक फेक जॉब लेटर था, सेम जगह से ही आया था, सेम एड्रेस। तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रिचमोंड रोड शांतला नगर रिचमोंड टाउन बेंगलोर कर्नाटका 560025। इस एड्रेस को यूज कर रहे हैं और यहाँ नीचे कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, इंडिगो ने दिया है ये देखिए, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट दिस इज नॉट इशूड बाय द कंपनी, वी डू नॉट इंडल्ज इन द प्रैक्टिसेस ऑफ कलेक्टिंग एनी प्रोसेसिंग एनरोलमेंट फीस फ्रॉम जॉब एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स, टीम इंडिगो ने कहा है। और एक बात साथ ही में इसी में बता देना चाहता हूँ कि एयरलाइन कंपनीज के जो जॉब्स होते हैं उनके जो वैकेंसीज है वो डायरेक्टली आपको जो है उनके वेबसाइट कैरियर सेक्शन में ही मिलेगा। और इन जॉब्स, ये जो जॉब्स होते हैं इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है होटल्स में, और प्रॉपर जो है जिस कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेल कर दिया और वहाँ बुला लिया, इस तरीके से नहीं होता। प्रॉपरली टाइम और प्लेस वेन्यू सब कुछ मेल में दिया हुआ रहता है, और स्पेसिफिकली बड़े एरियाज होते हैं और वहाँ पे बहुत कैंडिडेट्स एक साथ जाते हैं, मतलब इट इज़ लाइक एन एग्जामिनेशन। नॉर्मली हम जैसे बैंक एग्जामिनेशन या उस तरीके से देते हैं, इसी तरीके का होता है इंटरव्यू। हम जाते हैं वहाँ, हम सब जाएंगे, GD होगा, PI होगा, उसी के बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग एंड ऑल आता है, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पे सैलरी भी दिया जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ। अब आप और एक चीज़ ध्यान दे के देख लो, वो है कि इंडिगो के वेबसाइट में ही ये चीज़ लिखा हुआ है कि बाहर के थर्ड पार्टी जो है इस तरीके से फ्रॉड जो करते हैं उनसे बच के रहिए, इंडिगो के जॉब्स बाहर कहीं नहीं होते, इंडिगो खुद अपने वेबसाइट में ही इस चीज़ को पब्लिश करती है। और थर्ड पार्टी में अगर जैसे कि आपको नौकरी या फिर कहीं भी दूसरे वेबसाइट्स में जॉब पोर्टल्स में मिले, तो रीडायरेक्ट होके वो इंडिगो के वेबसाइट पे ही जाए,
तो ही वो जॉब जेन्युइन रहेगा नॉर्मली, नहीं तो गारंटीड है वो कोई कंसल्टेंसी या फिर थर्ड पार्टी फ्रॉड जॉब के तरफ जाएगा। चुका मेरे लैपटॉप में और मैं आपको जेन्युइन में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इंडिगो में अप्लाई करना है। आपको लिखना है इंडिगो कैरियर्स, जैसा आप देख पा रहे हो, और सबसे पहला जो लिंक खुल रहा है careers.indigo.in, यही है वेबसाइट उनका। तो मैं खोलता हूँ और आपको जो है आपको यहाँ नीचे जो है इंडिगो कैरियर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ, और ऊपर देखिए जॉब सेट इंडिगो, यहाँ जॉब सेट इंडिगो ये भी है। तो यही एक उपाय है जिस तरीके से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इंडिगो में। तो मैं अगर इसमें सर्च एंड अप्लाई मारू तो अभी एक नया टैब खुल जा रहा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी नो ओपनिंग्स है, सॉरी नो ओपनिंग्स करेंटली, मगर यहाँ पे क्योंकि अब पेंडेमिक चल रहा है COVID-19 तो वो वेकेंसी दे नहीं रहे अभी, मगर यहीं पे जो है आपके जो है वेकेंसीज आएंगे और यहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप पुराने मेरे वीडियोस भी देख सकते हो किस तरीके से इंडिगो में अप्लाई किया जाता है, तो आप जरूर देख लो। और यही एक वे आउट है जिस तरीके से आप इंडिगो में अप्लाई कर सकते हो। इंडिगो खुद कहती है कि किसी भी फेक चीज पे विश्वास ना करें, इंडिगो अपना इंटरव्यू खुद अरेंज करती है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, कॉशन दैट जॉब ऑफर मे बी अ स्कैम, इंडिगो डज नॉट चार्ज एनी मनी फॉर इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट। ये जरूर ये चीज रीड मोर में मैं मारता हूं और ये पढ़ सकते हो। ये देखिए कॉशन, क्योंकि ये हो रहा है इसीलिए लिखा गया है कि इंडिगो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है एयरलाइन है। तो ये वाला जो लिंक है मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या क्या चीज है आपको देखना है कि फेक ऑफर्स में नहीं जाना है, किस तरीके की चीजें लिखते हैं, ये देखिए फेक ऑफर के सैंपल भी दिए हुए हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमें नहीं, हमसे हमें बच के रहना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन सब चीज से जो है हमें सावधान रहना है। होप आपको इस वीडियो से जो है प्रॉपर जानकारी मिली है, और आपको मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। अभी कोरोना का टाइम नियर अबाउट निकल रहा है, मगर जॉब का जो है वैकेंसीज में अभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन सब समय पे जो है फ्रॉड जो लोग होते हैं बहुत तरीके निकालते हैं जिस तरीके से आपको लूटा जाए, आपका जो सेविंग्स है उसे समाप्त किया जाए। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। और इवन मैं ये कहूँगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो आपके जो फ्रेंड्स है अगर पटाख से आके आपको कहे कि मुझे इंडिगो में जॉब लग गया, तो उन्हें अवश्य सतर्क कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिखा अगर उसके साथ भी वही हुआ होगा तो वो रिलेट कर पाएगा और उस चीज़ से निकल के आ पाएगा। तो आप ज़रूर ये वीडियो दिखाए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने को मिले। आज के लिए किशोर की तरफ से